वैसे मेडिकल फील्ड की काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं आज डायबिटीज़ डे के मौके पर. बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है. थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं मेरे ये अच्छे खासे सुकून भरे दिन कटने बंद ना हो जाए. बट आई एम फाइन विद इट. मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है भाई. अपना क्या है, बस मन का खाना मिलता रहे, चैन से सुस्ताने को मिलता रहे, लाइफ कटती रहेगी. भाई अब जिसकी ऐसी पीसफुल लाइफ होगी उससे किसी को क्या नुकसान पहुंच सकता है भला. लेकिन फिर भी मेरी सोच और एक्सपर्ट्स की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है. चलिए उनकी राय सुन लेते हैं. वैसे मुझे पता है कि वो क्या कहेंगे. अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, हल्का खाइए, थोड़ा बहुत मॉडरेट वर्कआउट कर लीजिए. यहाँ पर उनकी बातों में फंसिएगा मत, क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसी डाइट्स आ गई हैं जो सीधा मुझ पर ही निशाना साध रही हैं. मैं तो कहता हूँ जीवर के खाइए, लाइफ एंजॉय करिए. बट फिर भी देख लेते हैं हमारे कंट्री के वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर मित्तल इस पर क्या कह रहे हैं. इस बार वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम फैमिली एंड डायबिटीज है. फैमिली का डायबिटीज से क्या मतलब, क्या महत्व है फैमिली का. डायबिटीज तो एक व्यक्ति को हुई, एक इंडिविजुअल को हुई, फैमिली से क्या. इसलिए कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने एक दवाई खा ली या एक इंजेक्शन लगा लिया तो बीमारी ठीक हो गई. वो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन है. हमारी दैनिक जीवनचर्या से उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है. उस डे टू डे लाइफस्टाइल के लिए एक अकेला इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, वो परिवार भी उसमें शामिल होता है. कैसे, अगर हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ डायग्नोज हुई किसी भी व्यक्ति को और हम कल से बोलते हैं कि उसको, पहली बात तो उसको एक सदमा लगता है बहुत बड़ा कि डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई. और फिर कल से हम बोलते हैं कि उसको पता नहीं क्या क्या डाइट में रेस्ट्रिक्शंस, ज़िंदगी भर रेस्ट्रिक्शन, रोज़ वॉक करना ज़रूरी हो गया, मीठा छूट गया जिसके वो सपने देखता है हमेशा, और सब चीज़ ख़त्म हो गई. तो उस कई बार तो लोगों को लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, मेरी ज़िंदगी तो नरक हो गई, ये तो मुझे एक लेबल लग गया डायबिटीज़ का और ये डायबिटीज़ तो मुझे ख़राब कर देगी. ऐसे में परिवार का, फैमिली का बहुत अधिक रोल होता है. अगर फैमिली सपोर्टिव है, अगर वो उसको, जो व्यक्ति है जिसको डायग्नोज हुआ, अगर वो उसको ये बोले कि आपको तो होना ही था, आपने तो अपनी परवाह नहीं करी, और आज से आपका मीठा बंद, और आज से आपका ये बंद, और सब लोग, मैंने देखा है कई बार बच्चे भी वैसी सलाह देने लगते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने फादर को, जैसे कि बाकी लोग सब सलाह दे रहे हैं ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसे नहीं करिए, वैसे नहीं. तो उस आदमी की ज़िंदगी तो नरक बन जाती. दूसरा परिवार लीजिए. एक परिवार ये है, अच्छा आपको डायबिटीज़ हो गई, ये तो बहुत कॉमन है, कोई बात नहीं, हम लोग सब ही अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे, चेंज करेंगे, जिससे कि आपके लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो. क्या ये सही है? जो दूसरे परिवार ने किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी डायबिटीज़ के लिए लाइफ, सो कॉल्ड लाइफ स्टाइल, डायबिटिक डाइट, ये सब बोलते हैं हम लोग ना, ये वही सब के लिए होता है. अ डायबिटिक डाइट इज़ अ हेल्थी डाइट फॉर एवरीबडी. तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में अब डायबिटिक डाइट वर्ड ही नहीं यूज़ करते, वी से डाइट प्लान, डाइट एडवाइस. सो अगर परिवार में किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो ये सबके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपने खान पान को, अपनी जीवन शैली को, दिनचर्या को सुधारें. उससे ना सिर्फ जो व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ हुई है उसको मदद मिलेगी, लेकिन पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए ये लाभकारी होगा. तो ये एक एटीट्यूडनल चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कंडीशन जिसमें कि आपका डे टू डे लाइफ में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें परिवार का महत्व तो हो गई, और इंडिया में तो और भी ज़्यादा है. इंडिया में हम लोग वी आर मोर सॉर्ट ऑफ पारिवारिक, सो टू स्पीक. तो इसलिए आई थिंक ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक है. द रोल ऑफ फैमिली इन डायबिटीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ सपोर्टिव फैमिली गोज़ अ लॉन्ग वे इन मेकिंग दिस जर्नी ईजियर फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट.